Welcome to Golden Beach Puri. Guys, good morning. Radio ke milte hain. Masala dosa bhi hai. Theek hai, thank you. So guys, thank you for tuning in. Welcome back. So आपको बता दूँ, what is best than starting your day with going to beach? तो यहाँ पे एक beach है, जहाँ मैं आपको लेके जाने वाला हूँ. जगन्नाथ मंदिर के बिल्कुल साथ से जो beach है, जो जगन्नाथ मंदिर है, उसके साथ से बिल्कुल आपको ऑटो लिया है मैंने. इस चार्ज में 100 bucks, 100 rupees दिए हैं मैंने, और ये मुझे गोल्डन बीच पे छोड़ने वाले हैं यहाँ से. तो आपको रास्ता, खैर आपको रास्ता याद करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑटो वाले को आई एम श्योर याद होगा. तो आपको थोड़ा थोड़ा व्यू दिखा रहा हूँ चलते हुए. साथ की मार्केट है बिल्कुल, और यहाँ से 100 rupees दे के आप इजीली पहुँच सकते हो. अगर टेम्परेचर वाइज हवा यहाँ पे ठंडी है अभी भी, तो आप नॉर्मल टी शर्ट्स बाहर से आए, टी शर्ट्स डालोगे, शर्ट डालोगे तो भी चलेगा. वेदर, आजकल का वेदर मैं आपको बता रहा हूँ. सुबह आज 18 जून 2020 है और आज वेदर बहुत मस्त है. कैसे हो दोस्तों, मजा है? थोड़ी देर में पहुंचेंगे यहाँ से, देखते हैं अप्रोक्सीमेटली कितना टाइम लगता है. एक्साइटेड टू सी बीच जस्ट बिकॉज, क्योंकि हमारी साइड आपको पता है ना, तो इतने सीधे रोड होते हैं पहाड़ में, जहाँ का मैं हूँ पहाड़ी, तो ना इतने रोड्स होते हैं सीधे वहाँ पे, और मोर ओवर फिर ऐसा बीच बीच तो भूल ही जाओ आप. हाँ, तालाब होते हैं हमारे यहाँ बड़े बड़े. एरिया जस्ट बिकॉज यहाँ पे आईपीएस ऑफिसर, तो यहाँ पे जितने भी गवर्नमेंट के जो बड़े बड़े हाई अथॉरिटीज, हाई ऑफिशियल्स रहते हैं, वो यहीं रहते हैं सर. आईपीएस, एचएस ऑफिसर्स, राजभवन भी यहीं पे इसी रोड पे है. सो गाइस, वेलकम टू गोल्डन बीच. और यहाँ अपनी गाड़ी लेके आओ तो यू हैव एम्पल अमाउंट ऑफ पार्किंग, और यहाँ पे काफ़ी सारा रश. तो यहाँ पे आपको बीच पे बिकिनीज में, और वैसे चड्डी में एक्सपेक्ट मत करना लोग, क्योंकि ये रिलीजियस बीच है, तो इसीलिए. वेलकम टू गोल्डन बीच पुरी. हेलो गाइस, थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन. व्हाट्स अप. तो समवेयर अराउंड 20-25 मिनट्स में यहाँ पहुँच गया मैं, और यहाँ पे साथ में है गोल्डन बीच. तो अभी मैं आपको गोल्डन बीच पे चल लेके चलता हूँ और दिखाता हूँ वहाँ पे क्या मस्ती हो रही है और क्या क्या हो रहा है. साथ ही मैं मार्केट है देखूँगा, अगर वो भी एक्सप्लोर कर पाऊँगा, और इधर को बीच है.
So guys, the thing which was left is camera. Now I think I should just do it. 60 rupees for 200 meters. I don't think it's a bad option. Let's do it. I've never ever done it. Chal jao bhaiya. Ha, chalo. Aage dikhe. Kuch nahi. I've never ever traveled on a camel and this is like. गिरेगा तो कहाँ जाएगा? मैंने सोचा यार कि एक यही चीज़ थी जो मैंने नहीं करी थी लाइफ में, कैमल पे बैठना, तो इस बार ये मुराद हुई पूरी। थोड़ा सा एक बार मोशन बन जाएगा बैठने का तो फिर दिक्कत नहीं होगी। हालांकि ये बहुत हिलता है जोर से। नारियल पानी वाला जगन्नाथ मंदिर की
Well, this beach seems to be never ending. कब से मैं चल रहा हूँ, I don't know how much kilometers it's been. लोग कितने किलोमीटर तक और फैला हुआ है ये. But सामने कुछ होटल्स भी हैं, कुछ क्या काफ़ी सारे हैं. इस लाइन में अगर आप जाओगे लास्ट तक, अगर आप देखोगे वहाँ तक, ये सिर्फ होटल्स हैं. इतने सारे होटल्स हैं यहाँ पे लाइन में. तो बीच फेसिंग जितने भी हैं उनमें से अगर आपको कोई पसंद आता तो रेट वगैरह देख के जो जेन्युइन लगे वो ले लो. तो जगह बड़ी कमाल की है. एम्बिस इज़ वेरी गुड, वेरी वेरी नाइस. ये सारी होटल्स वाली लाइन है. यहाँ पे आगे पीछे मुझे लग रहा है होटल्स ही हैं सारे, जहाँ तक भी नज़र. तो अब धूप मुझे तेज़ लग रही है और चलते चलते मैं उस कोने पहुँच गया था बीच के, बट अब वापस जा रहा हूँ वॉकिंग. आपको दिखाते रहे कि यहाँ पे क्या क्या है. ये बिल्कुल बीच के साथ वाली मार्केट है जहाँ पे बहुत सारे मेरे पीछे देख रहे हो, यहाँ बहुत सारे होटल्स हैं पीछे. आई गेस मैं पहुँचने वाला हूँ वहाँ तक. तो एक बार आपको लास्ट एंड देन यू हैव भेलपुरी वाला अंकल. अभी जैसे जैसे शाम होती जाएगी ना वैसे वैसे यहाँ पे भीड़ बढ़ना शुरू होगी. शाम को ही ज़्यादा एक्टिव रहता है बीच, क्योंकि ठंड भी रहती है थोड़ी और लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं शाम को आना धूप से. बड़ा जितनी धूप तेज़ थी भी नहीं तो चल गया. बट यहाँ पे शाम को ज़्यादा रश रहता है, तो 4 बजे के बाद यहाँ दुकानें खुलना शुरू होती हैं सारी. आसपास जितने भी लोग हैं सारा स्ट्रीट फूड ये सब ऑन हो जाता है. सो टिल द टाइम आई एम थिंकिंग लाइक शैल आई वेट और गो. मैंने सुना था यहाँ पे मार्केट लगना शुरू होती है, तो यहाँ पे पानी पूरी वाले, भेलपूरी वाले स्टॉल्स, छोटे मोटे शॉपिंग पर्स, शंख वाले और ये सब लगना शुरू हो गया है. तो जैसे जैसे शाम होगी वैसे वैसे रौनकें बढ़ती जाएंगी. तो अगर आप शाम को आते हैं तो लाइफ में आपको बहुत अलग चीज़ें दिखेंगी. मैंने दिन इसलिए चूज़ किया क्योंकि मुझे लाइट में आपको अच्छे शॉट्स दिखाने थे. मैं कोशिश करूँगा अगर मैं शाम को भी आ पाया तो.